तो आज बड़ी खुशी की बात है, मैं आपके सामने एक श्रृंगार गीत पेश करने चाहता हूँ। गीतकार है डॉक्टर विष्णु सक्सेना और बहुत ही अच्छा गीत चाहूंगा आपका समर्थन मिले, आपका आशीर्वाद मिले। रीत पर नाम लिखने से क्या फायदा, एक आई लहर कुछ बचेगा नहीं, तुमने पत्थर सा दिल हमको कह दो दिया, पत्थरों पे लिखोगे मिटेगा नहीं, रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा। मैं तो पतझड़ था फिर क्यों निमंत्रण दिया, ऋतु बसंती को तन पर लपेटे हुए, आस मन में लिए प्यास तन में लिए, कब शरद आई पल्लू समेटे हुए, कि तुमने फेरी निगाहें अंधेरा हुआ अंधेरा हुआ, कि तुमने फेरी निगाहें अंधेरा हुआ, ऐसा लगता है सूरज उगेगा नहीं, रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा। अगले बंद में कभी कहता है, मैं तो होली मना लू का सच मानिए, तुम दिवाली बनोगी ये आभास दो, मैं तो होली मना लू का सच मानिए, तुम दिवाली बनोगी ये आभास दो, मैं तुम्हें सौंप दूंगा तुम्हारी धरा, तुम मुझे मेरे कदमों को आकाश दो। अगली पंक्ति युवा दिलों के लिए, एवी शर्मा जी सुने लेकिन अमल ना करें। मैं तुम्हें सौंप दूंगा तुम्हारी धरा, तुम मुझे मेरे कदमों को आकाश दो, उंगलियों पर दुपट्टा लपेटो ना तुम, लपेटो ना तुम, उंगलियों पर दुपट्टा यूं लपेटो ना तुम, बोलूं यूं करोगे तो दिल चुप रहेगा नहीं, रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, एक आई लहर कुछ बचेगा नहीं, तुमने पत्थर सा दिल हमको कह दो दिया, पत्थरों पे लिखोगे मिटेगा नहीं, रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा। कभी कहता है कि भगवान कृष्ण ने जिन जिन मातृशक्ति का स्नेह मिला प्यार मिला किस किस रूप में उनको देखा है। आंखें खोली तो तुम रुक्मणी सी दिखी, बंद की आंख तो राधिका तुम लगी, जब भी सोचा तुम्हें शांत एकांत में, मीराबाई सी साधिका तुम लगी, कृष्ण की बांसुरी पर भरोसा रखो, कृष्ण की बांसुरी पर भरोसा रखो, मन कहीं भी रहे पर डिगेगा नहीं, रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, एक आई लहर कुछ बचेगा नहीं, तुमने पत्थर सा दिल हमको कह दो दिया, पत्थरों पे लिखोगे मिटेगा नहीं, रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, एक आई लहर कुछ बचेगा नहीं, रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा। धन्यवाद।